फीफा विश्व कप के ग्रुप एफ में मेक्सिको के सामने रविवार को मौजूदा चैंपियन जर्मनी की कड़ी चुनौती होगी। जर्मनी को अपने पहले मुकाबले में जीत का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। चार बार की विजेता जर्मनी को इस बार भी खिताब की प्रबल दावेदार माना जा रहा है। जर्मनी ने क्वालिफाइंग दौर में शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी 10 मैच जीते थे। इन मैचों में उसने सिर्फ 10 गोल खाए थे। उसने पिछले साल कन्फेडरेशन कप भी अपने नाम किया था, लेकिन उसकी हालिया फॉर्म संतोषजनक नहीं रही है। कोच जोएचिम लोव की यह टीम अपने पिछले 6 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सिर्फ एक जीत हासिल कर पाई है, वो भी सऊदी अरब जैसी टीम के खिलाफ। इस टीम को हाल ही में विवाद का सामना भी करना पड़ा है। टीम के दो बड़े खिलाड़ियों इल्के गुंडोगेन और मेसुट ओजल को तुर्की के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद माहौल गर्मा गया था और टीम के रूस पहुंचने तक भी यह विवाद हवा में था। इन सबसे परे हालांकि जर्मनी का इस बार भी अंतिम रिंग 4 में जाना तय माना जा रहा है और मेक्सिको के खिलाफ उसे जीत का प्रबल दावेदार भी माना जा रहा है। जर्मनी ने कन्फेडरेशन कप में मेक्सिको को 4-1 मात दी थी। वहीं मेक्सिको की बात की जाए तो दक्षिण अमेरिका की इस टीम ने अपने अंतिम 6 विश्व कप में हमेशा अंतिम रिंग 16 में प्रवेश किया है। जर्मनी को अगर मात देनी है तो मेक्सिको को अपने खेल में तेजी लानी पड़ेगी। टीम का दारोमदार टीम के शीर्ष स्कोर जेवियर हर्नांडेज पर होगा। टीम के कोच ने दोस्ताना मैचों में अपने सभी पत्ते नहीं खोले थे, इसलिए यह कह पाना मुश्किल है कि वह किस रणनीति के साथ मैदान पर उतरेंगे।